फॉलो कर रही है, बीजेपी फॉलो नहीं कर रही इस प्रोसेस को। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा डेमोक्रेसी के अंदर, इतना सा फर्क है। वो तो मिलिट्री राज चला रहे हैं, यहाँ पे ही अपने नेता मिलिट्री राज चला रहे हैं दिखाने के लिए, लोकतंत्र में जिताते हैं। और मुझे अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कोई भरोसा नहीं है, ईवीएम का कोई भरोसा नहीं है। ये 370-400 पार ऐसे कभी हुआ है क्या? एग्जैक्ट फिगर कैसे भी ले रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप इलेक्शन कमीशन के दो लोग छोड़ के भागे, चीफ इलेक्शन कमीशनर था वो छोड़ के भागे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कराने की कोशिश की होगी। अब क्या सच्चाई है तो भगवान जाने, चलो चलने तो कोई बात नहीं, मगर अपन को सबको एकजुट होकर यहाँ पे लड़ना, अपनी पार्टी की लड़ाई लड़नी है, अपने नेताओं की बात करनी। जैसे चौधरी साहब बहुत अच्छा बता रहे थे कि अपने जो पुरानी योजनाएं हैं, जो अपन ने अच्छा किया है, जनता को अपन ने दिया है, वो ही भुला लेंगे तो उसमें भी काम हो जाएगा अपना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं नाम लेना भूल गया सभी का, हरि भैया जी का, चौधरी साहब का, महावीर जी का, अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी का, हमारे हंसराज जी का, सीताराम जी का, राजीव चौधरी साहब का, और सभी मंच पर बैठे।